हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2017 का शॉर्ट पेपर कर रहे थे, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड का ए पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर टू हम कर चुके हैं। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो ये दिया था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, सो दैट वाई जीरो इक्वल टू वन अपॉन टू वाई वन प्लस वाई माइनस वन माइनस वन अपॉन एट वन अपॉन टू वाई थ्री माइनस वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री माइनस, ये हमारे पास ये शो करना था हमें। हमें फ्रेंड्स ये शो करने के लिए हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे वाई वन ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, हमारे पास जो दिया हुआ है यहाँ गिवन वैल्यू है अपने पास, वाई वन दिया हुआ है, वाई माइनस वन दिया हुआ है, वाई थ्री दिया हुआ है, वाई माइनस थ्री दिया हुआ है, और हमें वाई जीरो ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें लैग्रैन्ज फार्मूला लगा सकते हैं। लैग्रैन्ज फार्मूला क्या कहता है अपने पास, लैग्रैन्ज फार्मूला कहता है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट डॉट एक्स जीरो माइनस एक्स एन प्लस इस बार एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू और उसके बाद एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर चलते हुए एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू चलते हुए एक्स वन माइनस एक्स एन। इसी तरह फ्रेंड्स फॉर्मूला चलता हुआ अपने पास, जो इसकी लास्ट टर्म आती है वो आती है एक्स माइनस एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन एक्स सॉरी एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट चलते हुए एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, एक्स एन वाली टर्म हम नहीं लिखते, ये आता है जो इसको आगे ये नीचे आता है एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन डॉट डॉट चलता हुआ ये आ जाएगा अपने पास एक्स एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम इससे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वाई जीरो चाहिए, मतलब एक्स बराबर हमारे पास इस तरह से ले सकते हैं एक्स बराबर जीरो पर जो वाई फंक्शन था एफ एक्स वो अपने पास वाई जीरो, इस तरह से अपने पास एक कंडीशन दी हुई है। एक्स बराबर वन पर एफ एक्स था वो था अपने पास वाई वन, एक्स बराबर थ्री पर एफ एक्स था अपने पास वाई थ्री, एंड एक्स बराबर माइनस थ्री पर एफ एक्स है अपने पास माइनस वाई माइनस थ्री, ये अपने पास दिया हुआ है। अब फिर सब वैल्यू पुट करते हैं हम, तो फ्रेंड्स वैल्यू पुट करने के लिए वाई जीरो, क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई जीरो अपने पास वाई जीरो बराबर ये आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पे रखते हैं तो एक्स एक्स क्या है यहाँ पर जीरो, तो उस कंडीशन में ये तो हो जाएगा अपने पास जीरो माइनस एक्स वन क्या है। अगर जैसे हम इसमें पहले सबसे पहले हम इसको छोड़ देते हैं वाई जीरो वाली टर्म को, तो ये आ जाता है अपने पास हम जैसे वन को छोड़ रहे हैं वन सॉरी माइनस थ्री को छोड़ के कर रहे हैं, पहले पहले इस कंडीशन में लिख रहे हैं पहले माइनस थ्री उसके बाद वन सॉरी माइनस वन उस नहीं थ्री वन एंड माइनस वन एंड थ्री इस तरह ले रहे हैं ये, हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह लिया है, तो सबसे पहले हमने माइनस थ्री वाले को छोड़ दिया, तो ये अगर जीरो जो क्यों एक्स बराबर जीरो है तो एक्स वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री ये आ गया वाई माइनस थ्री। फिर अगली टर्म लिखी हमने तो ये आ जाएगा अपने पास जीरो प्लस थ्री जीरो माइनस वन जीरो माइनस थ्री एंड नीचे आ गया। अब इस बार हमने वन को छोड़ा है तो ये सब वन हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री एंड वाई माइनस वन
अब जब फ्रेंड्स ये वैल्यू ये आ गई, अगली टर्म हम हमारे पास आएगी वो आएगी अपने पास 0 + 3, 0 + 1, 0 - 3 अपॉन 1 + 3, 1 + 1, 1 - 3, और जो नेक्स्ट ये आएगी y 1। अगला आएगा 0 + 3, 0 + 1, 0 - 1 अपॉन 3 + 3, 3 + 1 एंड 3 - 1, और यहाँ आएगा वो आएगा अपने पास y 3, ये आ जाएगा y 3। अब फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं तो याद आता है अपने पास, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से 3 माइनस 1 से 3 हो जाएगा, तो 3 अपॉन यह आ जाएगा -2 -4 -2 इंटू -4 इंटू -6 ये आ गया। अब ये आ गया वाई -3 प्लस, अब इसका क्या इस तरह, तो यह आ जाएगा 3 एंड -3 या -9 एंड -, साइन यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 9 अपॉन, यह इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा -2 सॉरी, यहाँ से -4 आ जाएगा, यह आ जाएगा वाई -1 प्लस। अब हमने इसका किया है तो इसका करने पे 3 इंटू 1 आएगा तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा -9, -9 अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 इंटू -2 -16 y 1 प्लस, ये आएगा अब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा अपने पास 3, ये 3 इंटू 1 इंटू -1 तो ये आएगा -3 अपॉन 3 इंटू 3 6 इंटू 4 इंटू -2 ये आ गया y 3। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास -1 अपॉन, इसको सॉल्व किया तो 3 से यहाँ से 3 से ये कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 16 वाई -3 प्लस 9 अपॉन 16 वाई -1 प्लस 9 अपॉन 16 y 1 -1 अपॉन 16 y 3 ये आ गया। फ्रेंड्स इसको अब और सॉल्व करें, फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास। अब हम इसको इसका जो RHS साइड है क्वेश्चन का RHS साइड ये, इसको अगर हम सॉल्व करें, इस टर्म को अगर सॉल्व करें हम, तो हमने ये पहले सिंपल किया है, अब इस टर्म को सॉल्व करने पर अगर ये टर्म आ जाती है अपने पास तो हमारे द्वारा निकाला गया हम इस ये इक्वल होंगे। अब हमें ये प्रूव करना है ये है ये जो है इसके इक्वल है, तो इसको इक्वल के लिए हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया नाउ बाय गिवन RHS। गिवन RHS क्या है अपने पास, ये है अपने पास जो दिया था वो है अपने पास गिवन RHS 1/2 y1 प्लस y -1 -1/8 1/2 y3 -y1 -1/2 y -1 एंड -y -3 ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 y1 प्लस 1/2 y -1 ये हो जाएगा, -1/8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 1/8 के अंदर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा माइनस के साथ -1/16 y3 -1/8 मल्टीप्लाई करें प्लस 1/8 y1 एंड ये इधर -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1/2 y -1 प्लस 1/2 y -3 अब ये ले लिए। अब हम y1 वाली टर्म हम एक साथ ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये y1 वाली टर्म एक साथ ले सकते हैं, या हम देख सकते हैं LCM में हर जगह 16 आ रहा है तो हम 16 LCM ले सकते हैं, इसका हमने LCM 16 ले लिया तो 16 LCM लिया तो ये आ गया अपने पास
ये आ गया, इसका एलसीएम क्लियरली देख सकते 16 है, तो ये आ जाएगा अपने पास 8y1 प्लस 8y-1 माइनस y3 प्लस 2y1 माइनस 8y-1 प्लस 8y-3। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 8y1 है अपने पास और ये है अपने पास 8y1 प्लस 2y1, तो ये हो गया अपने पास 10y1 अपॉन 16। फिर हमसे ऊपर ही मिस्टेक हो चुकी है, हमने RHS साइड को इस तरह से, RHS साइड इस तरह से थी 1/2y3-y1 इस तरह से कोष्टक में था, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे कोष्टक है यहाँ पे, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास वन, ये ठीक है 1/2y1 प्लस 1/2y-1 ठीक है, माइनस 1/16y3 ये ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 1/16 आएगा, प्लस का साइन आएगा y1 ये ठीक है। अब माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने फ्रेंड्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के साथ साथ ये 1/16 आएगा और ये भी 1/16 आएगा। इस तरह इसका हमने एलसीएम लिया, इसको हम काट सकते हैं और इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, जो अपने पास ये था फ्रेंड्स ये हमने दोबारा लिख लिया है यहाँ पे इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एलसीएम 16 लेके 8y1 प्लस 8y-1 माइनस 1 सॉरी y3 लिख सकते हैं इसको, प्लस y1 प्लस y-1 प्लस y-3 अपॉन 16, ये हमने लिख दिया। तो 8y1 एंड ये 9y1 आ गया, 9y1 अपॉन 16, y-1 लेते हैं तो y-1 एंड y-1 प्लस 9y-1 अपॉन 16, y-3 एक ही जगह तो माइनस y3 अपॉन 16 इस तरह, प्लस y-3 अपॉन 16 ये आ गया। फिर सब अगर हम इससे मैच करें तो -1/16/3 इससे मैच करें तो -1/16/3 ये आ गया 1/16/3 ये रहा, और ये अपने पास सेकंड टर्म में 9/16y-1 तो ये आ गया 9/16y-1, और ये आ गया अपने पास अगले टर्म में 9/16y1 और ये आ गया अपने पास -1/16y3। अब ये जो RHS के इक्वल आ गया, ये अपने RHS के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, सो हम कह सकते हैं कि y3 बराबर 1/2y1 प्लस y-1 माइनस 1/8 1/2y3-y1 माइनस 1/2y-1 माइनस y-3 ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। फ्रेंड्स अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या प्रूव करवा रहा था, वो प्रूव करवा रहा था अपने पास न्यू एंड डेल में रिलेटेड रिलेशन निकलवा रहा था, वो रिलेशन निकलवाया था, इसमें जो रिलेशन था वो क्या है अपने पास ये निकालना है, हमें ये चेक करवाया था, और रिलेशन था वो था अपने पास 1/2 डेल एंड ये अपने पास प्रूव करना था हमें। अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर न्यू क्या है, न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू है वो अपने पास एवरेज ऑपरेटर है, एवरेज ऑपरेटर ये औसत संकारक बोलते हैं इसको हिंदी में, औसत संकारक ये है। तो न्यू बराबर क्या होता है अपने पास, न्यू बराबर होता है वो होता है 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 ये होता है, और साथ ही अपने पास डेल क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डेल होता है अपने पास केंद्रीय अंतर संकारक, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, डेल बराबर हम सो लिखते हैं वो है अपने पास ई की पावर -1/2 माइनस ई की पावर -1/2 ये होता है।
अब फिर से हमें इसको शो करने के लिए इन दोनों को वैल्यू हमें ये पुट कर देनी है, तो ये अपने पास पुट कर दिया हमने पास 1/2 पर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 एंड ई की पावर -1/2 माइनस सॉरी प्लस है ये माइनस ई की पावर -1/2, ये हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका क्या तो ये आ गया e1, इसका इससे क्या तो e की पावर 0 जो कि हमारे पास 1 हो जाता है। अब इसका हमने इससे क्या तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर 0 एंड इसका हमने इससे क्या तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं आगे सॉल्व करने पर 1/2 e1 माइनस e की पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 ई माइनस 1/e, ये हो जाएगा 1/2 ई स्क्वायर माइनस 1/e, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर माइनस 1 को ई माइनस 1 एंड ई प्लस 1 में अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो ये 1/2 ई माइनस 1 एंड ई प्लस 1/e, ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स जब ये आ गया अपने पास तो फ्रेंड्स अपने पास ये आ गया, तो ये इसका अगर हम यहाँ पे ये तो हो जाएगा ई माइनस 1, तो अपने पास डेल संकारक आ जाता है क्लियरली, ये डेल संकारक आ गया। अब ई का हमने इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस ई इनवर्स, ये आ गया 1 प्लस ई इनवर्स आ गया। तो ये अब डेल का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 1/2 डेल प्लस डेल ई इनवर्स, ये आ गया अपने पास। बट फ्रेंड्स हम जानते हैं डेल ई इनवर्स बराबर क्या होता है, डेल ई इनवर्स बराबर होता है अपने पास ये, तो ये हो गया 1/2 डेल, ये दोनों संकारक आ गए अपने पास जो कि हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द एफ एक्स एज द पॉलिनोमियल इन पावर ऑफ एक्स माइनस 5, ये दिया हुआ है अपने पास, कुछ डाटा दिए हुए हैं और हमें ये पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जो बेस होगा वो एक्स माइनस 5 होगा, एक्स की जगह में एक्स माइनस 5 बेस होगा, ये निकालना है हमें। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स हम सिंपली वो बेस निकालते हैं जिसमें एक्स हो, उसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल कौन सी है, टेबल है अपने पास न्यूटन न्यूटन का जो डिफरेंस टेबल है वो बनाते हैं। न्यूटन का डिफरेंस टेबल है वो अपने पास इस तरह से लेते हैं, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे एंड एफ एक्स यहाँ पे, ये आ जाती है, तो ये आ जाता है 0, 4, 2 पर 26, 3 पर 58 एंड 4, 7, 9 पर 112, 4, 6, 6, 9, 2, 2। अब उसके बाद हम निकालते हैं डेल एफ एक्स। फिर डेल एफ एक्स क्या होता है, ये होता है अपने पास सिंपली इन दोनों को ऐड करो, इसके डिफरेंस का डिवाइड कर दो, तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा ऐड करके ये आ जाएगा अपने पास 30। फिर डेल एफ एक्स ये होता है इन दोनों, इसमें से इसको घटाओ एंड इसका डिवाइड कर दो, मतलब इसमें से इसको घटाओ 22 एंड 22/2 11, 58 में से 26 गया तो वो आ जाता है अपने पास 32। इसी तरह 112 में से 58 तो 54, ये आ गया अपने पास, ये 118 एंड ये आ जाएगा 228। इस तरह से सॉल्व करने पे इसको हम कर सकते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है इसमें से इसको घटाना होता है और इसका इसमें से इसको डिवाइड करना होता है, तो इसमें से घटाने पर यह आ जाएगा अपने पास 32 माइनस 11, तो यह आ जाएगा अपने पास 21 आ जाएगा, तो 21/3 तो ये आ जाएगा 7। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 22। उसके बाद अपने पास डेल क्यू अपॉन एफ एक्स,
अब उसमें क्या करना होता है, इसमें सिंपली इसमें से इसको घटाओ, उसके बाद इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको इस तरह से घटा के डिवाइड करना होता है। तो 11 में 7 गए तो 4, 4 अपॉन 4 ये आ गया 4। उसके बाद अपने पास 16 में से 11 गए तो 4, और इस 7 में से 3 गए तो 4, सॉरी 7 में से 2 गए तो 5, और ये 5 है तो ये भी आ जाएगा 1, ये 1। एंड 22 में से 16 गए तो 9 में से 3 गए तो 6, और इधर भी 6 बचे तो ये 1 आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स अपने पास ये टेबल आ चुकी है। आगे के जो टर्म होंगे वो 0-0 होंगे, इसे उन्हें लिखने से हमें कोई मतलब नहीं है। अब फ्रेंड्स हम न्यूटन का जो विभाजन सूत्र है वो लगाते हैं। न्यूटन का विभाजन सूत्र क्या कहता है, एफ एक्स बराबर क्या होता है, वो होता है एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस डॉट डॉट चलते हुए एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन डॉट डॉट एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एंड फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन तक। यह फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन का मतलब है ये डेल एफ एक्स, इसमें ये एफ फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स है तो डेल एफ एक्स जीरो निकालना है। इस तरह डेल एफ एक्स जो एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू आएगा तो उसका मतलब डेल स्क्वायर एक्स जीरो लेना है। इस तरह से लेने हैं हमें ये फंक्शन एफ एक्स बराबर हम ये लिख सकते हैं, एफ एक्स जीरो क्या है 4 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो तो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो ये आ जाएगा 0 एंड ये आ जाएगा 11 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो तो एक्स ही आ जाएगा और एक्स माइनस एक्स वन आएगा अगली टर्म तो वो आ जाएगा एक्स माइनस टू ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद 7 प्लस एक्स एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री इंटू 1 ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स हम इसको अच्छी तरह से लिखें तो ये लिख सकते हैं, इसको हम फ्रेंड्स रीराइट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एफ एक्स बराबर 4 प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस टू 7 आ गया जाएगा एंड प्लस एक्स एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री ये आ गया अपने पास। अब ये आ गया तो और हमें एफ एक्स क्या लिखना है वो लिखना है हमें, इससे हम क्लियर देख सकते हैं ये एक्स की पावर क्यू वाला फंक्शन है। और जो एफ एक्स हमें लिखना क्या है वो पूछा है, एक्स की पावर जो एक्स माइनस फाइव हमारा बेस होना चाहिए तो हमने मान लिया एफ एक्स, लेट एफ एक्स बराबर ये एक्स माइनस वन का ये हमने मान लिया ये एक्स माइनस फाइव का क्यू प्लस वी एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस फाइव प्लस डी ये हमने इस तरह से ले लिया क्योंकि इसका जो बेस है वो एक्स बराबर मान रहे हैं तो हम दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि हम एक ही इक्वेशन को दूसरी तरह से लिख रहे हैं तो इसके इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए अब सिंपली हम इसमें दोनों से कंपेयर करते हैं। इफ एक्स बराबर जीरो लें हम, एक्स बराबर जीरो पुट करें तो ये अपने पास आ जाएगा, अपने पास ये जो पूरी टर्म होगी ये जीरो हो जाएगी, ये ओनली 4 बचा ऊपर वाली टर्म से ये आ जाएगा 4 इक्वल टू इसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा ये देखते हैं हम, ये आ जाएगा ये माइनस फाइव माइनस वन अपॉन 25 ए प्लस 25 बी माइनस फाइव सी प्लस डी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है ये। अब फ्रेंड्स हम अगर एक्स बराबर हम ये एक्स बराबर इस बार 2 लेते हैं तो ये आ जाता है अपने पास, एक्स बराबर 2 लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 2 6 इक्वल टू एक्स बराबर 2 लिया तो ये 2 माइनस 5 3 का क्यूब हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 9 माइनस 27 ए प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और हाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास 9 बी ये आ जाएगा माइनस 3 सी प्लस डी ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब हम अगर एक्स बराबर 3 लें, एक्स बराबर 3 लें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे अपने पास तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स बराबर ये लेने पे ये 4 प्लस 3 7 एंड 3 पे आ जाएगा 21 वैल्यू 21 आ जाएगा तो 21 प्लस 7 ये आ जाएगा 28 इक्वल टू
ये आ जाएगा ए और टू का क्यूब, एट ए माइनस का प्लस फोर बी माइनस टू सी प्लस डी, ये आ गया है। अगर हम डी एक्स बराबर फाइव पर निकालें तो एक्स बराबर फाइव पर ये सारे टर्म जीरो हो जाते हैं, ओनली ये रहती है अपने पास डी, तो इसे डी बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर फाइव रख दिया तो इसमें तो डी आ जाएगा, और इसमें एक्स बराबर फाइव रख दिया तो ये आ जाएगा अपने पास फोर प्लस फाइव प्लस ये थर्टी फाइव इंटू ये आ जाएगा अपने पास थ्री प्लस फाइव इंटू थ्री इंटू टू, फ्रेंड्स आ गया अपने पास नाइन प्लस थर्टी फाइव इंटू थ्री किया तो ये आ जाएगा प्लस वन हंड्रेड फाइव प्लस ये आ जाएगा थर्टी। फ्रेंड्स हमें आपको ऊपर ये जो क्वेश्चन था उसमें हम इलेवन इंटू एक्स ये भूल गए थे, तो ये इलेवन इंटू एक्स आएगा, इलेवन इंटू एक्स आएगा ये। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास सारी कंडीशन चेंज हो जाएंगी और ये आ जाएगा अपने पास इलेवन टू एक्स तो ये जाएगा फिफ्टी फाइव, नाइन प्लस फिफ्टी फाइव प्लस वन हंड्रेड फाइव प्लस थर्टी जो कि हो जाएगा अपने पास वन नाइन्टी फोर। फ्रेंड्स इसी तरह हम इससे इसको सॉल्व करके बाकी वैल्यू ए बी सी डी, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन है वन टू एंड थ्री एंड तीन ही अननोन है, तो हम ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास ज्ञात है, तो ए की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारे पास, ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, ए की वैल्यू यहाँ आएगी वन, और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी सेवनटीन, सी की वैल्यू जो आएगी वो 98 एंड डी की वैल्यू अपने पास 194 है ही। ये इस तरह से हम निकाल लेंगे इसको, तो अपने पास जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया अपने पास एफ एक्स बराबर 194 प्लस वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, इस क्वेश्चन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 194 पहले डी वाले लिख दी हमने, उसके बाद हम इसको लिख रहे हैं तो प्लस 98 एक्स माइनस फाइव प्लस बी की वैल्यू रख दी 17 एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव का क्यूब, ये अपने पास फ्रेंड्स जो सॉल्यूशन आ गया।